Today we will do the topic deadlock avoidance, an alternative method for avoiding deadlock is to require additional information about how resources are to be requested. मतलब एक हमें additional information लेनी पड़ती है कि जो resources है वो free है या नहीं है, और जिन processes ने उनको request भेजी है उन्हें कितने resources चाहिए, जितने resources उस process को चाहिए वो available है या नहीं है. ये आगे हमें एक example देखेंगे, उसके through हमें पता लगेगा कि कैसे हम उसको सेफ कंडीशन देंगे. दो तरह की कंडीशंस होगी. अगर हमें पता लग जाता है सही हम कंडीशन में चलते हैं कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, तो वो हमारी सेफ कंडीशन होगी. अगर हमारा हमारी जो कंडीशंस है रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते तो वो अनसेफ कंडीशन होगी. विद दिस नॉलेज ऑफ द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब एक सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमें प्रोसेसेस को एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज, अगर वो सीक्वेंस हमारा, उसकी नॉलेज जो है हमारी कंप्लीट है, एंड रिलीज फॉर ईच प्रोसेस, एक प्रोसेस रिलीज होता है तो दूसरे को एलोकेट होगा. द सिस्टम कैन डिसाइड फॉर ईच रिक्वेस्ट वेदर और नॉट द प्रोसेस शुड वेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ पॉसिबल फ्यूचर डेडलॉक. तो सेफ कंडीशन में हम कैसे उसको डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि कैसे हम उसको अवॉइड करेंगे. तो अब हम पढ़ेंगे कि सेफ स्टेट में हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं ताकि हमारी जो एरर्स हैं, जो हमारा डेडलॉक है वो अवॉइड हो सके. अ स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू इट्स मैक्सिमम. ठीक है, अगर हम ईच प्रोसेस को उसके रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं तो वो सेफ स्टेट में है. इन सेम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक. More formally, a system is in a safe state only if there exists a safe sequence. अगर एक safe sequence है, sequence किस चीज का, processes का, कि पहले किस process को हमें resources देने हैं, जितने resources available है उसके according ही हम sequence बनाएंगे. अगर हमारा sequence ठीक है तो हमारी safe state achieve हो जाएगी. A safe state is not a deadlock state. अगर आप सेफ स्टेट को फॉलो कर रहे हैं तो वो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा, और कन्वर्सली उसका उल्टा क्या है, अ डेडलॉक स्टेट इज एन अनसेफ स्टेट. तो डेडलॉक स्टेट क्या है, अनसेफ स्टेट है. देखते हैं कैसे हम अपनी अनसेफ स्टेट को सेफ स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. टू इलुस्ट्रेट, वी कंसीडर अ सिस्टम विथ 12 मैग्नेटिक टेप्स ड्राइव्स एंड थ्री प्रोसेसेस P0, P1, P2. तीन प्रोसेसेस हैं P0, P1 एंड P2. और हमारे पास क्या है, 12 मैग्नेटिक टेप्स हैं. मतलब हम यहां लिख लेते हैं मैग्नेटिक टेप्स, टेप लिख रही हूं मैं 12. ठीक है, प्रोसेस P0 रिक्वायर्स 10 टेप्स. प्रोसेस P0 जो है उसको 10 टेप्स चाहिए. प्रोसेस P1 may need as many as 4 tape drives and process P2 may need up to 9. तो 10, 4, 9 हमने एक लाइन में लिख दिया. ये है मैक्सिमम नीड्स, मतलब P0, P1 और P2 को इतनी टेप्स एक बार में चाहिए. सपोज दैट एट टाइम T0 प्रोसेस 0 इज होल्डिंग 5 टेप ड्राइव्स. अब हम कह रहे हैं कि 5 तो उसको मिल गई है. प्रोसेस P1 इज होल्डिंग 2 टेप ड्राइव्स, P1 को 2 मिल गई हैं, और P2 इज होल्डिंग 2 टेप ड्राइव्स. P2 क्या है, उसके पास भी 2 हैं. तो हमारे पास टोटल कितनी थी, 12, और हमारे पास जो ऑक्यूपाइड है वो कितनी है, टोटल 5 + 2 + 2 मतलब 9. टोटल 9 हमारी यूज हो चुकी है, और रिमेनिंग कितनी हुई, 12 में से 9 गया. इसको अगर हम टोटल करते हैं, हमारी जो 9 है वो यूज हो गई है, पर 12 में से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितनी बचती है फ्री, 3 हमारी फ्री बचती हैं. एट टाइम T0 द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट. T0 टाइम पे सेफ स्टेट पे है. द सीक्वेंस P1, P0, P2 सेटिस्फाइज दी सेफ्टी
कंडीशन. अब वो कहता है कि सेफ कंडीशन आने के लिए हमने एक सीक्वेंस बनाया P1, P0, P2, जिससे कि वो सेफ कंडीशन में जाएगा, मतलब हमारा डेडलॉक नहीं होगा. तो ये कंडीशन हमारी कैसे बनी हम देखते हैं. अब P0 को पहले हम देखते हैं. P0 आगे हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि P0 को 5 की रिक्वायरमेंट थी और अभी हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्या है, 3 की. अगर हम 10 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 बच जाते हैं. ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग है 3, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है इससे पूरी नहीं होगी. तो उसने किसको लगाया, P1 को पहले लगाया, क्योंकि P1 की रिक्वायरमेंट क्या थी, 2 की थी. तो 3 जो रिमेनिंग है वो 2 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुकेगा. प्रोसेस P1 कैन इमीडिएटली बी एलोकेटेड ऑल इट्स टेप ड्राइव्स एंड देन रिटर्न देम. ठीक है, 3 थी और 2 हमें चाहिए थी. द सिस्टम विल देन हैव 5 अवेलेबल टेप ड्राइव्स. ठीक है, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा इसका, तो जो इसकी नीड थी, करंट नीड्स की कितनी थी, 2 की थी और 3 हमारे पास ऑलरेडी थी, तो 3 प्लस 2 मिला के हमारे पास कितनी रिलीव हो गई, 5. 5 टेप ड्राइव्स हमारे पास टोटली आ गई हैं. अब 5 के बाद हम अगर देखें तो P0 को कितनी चाहिए थी, 5 ही चाहिए थी. देन द प्रोसेस P0 कैन गेट ऑल इट्स टेप ड्राइव्स एंड रिटर्न देम. वो भी उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा. द सिस्टम विल देन हैव 10 अवेलेबल टेप ड्राइव्स. अब जब उसने P0 को दे दी तो 5 यहां से रिलीव हुई थी, 5 उसकी ऑलरेडी प्रोसेसिंग में थी, टोटल कितनी रिलीव होगी, 10. तो अब हमारे पास सिस्टम के पास कितनी है, 10 ड्राइव्स ऑलरेडी हैं. द फाइनल प्रोसेस P2 कैन गेट ऑल इट्स टेप ड्राइव्स एंड रिटर्न देम. अब फाइनली जब हमें यहां से 10 मिल गई हैं, तो 2 तो ये करंटली यूज कर ही रहा है और 9 इसके पास मैक्सिमम नीड थी, तो 9 प्लस 2, ठीक है, और इसने कितनी रिलीव की, 10 रिलीव की. 9 में से अभी 1 एक्स्ट्रा है हमारे पास, 2 तो वो ऑलरेडी यूज कर ही रहा है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा रिलीव होगी वो कितनी, 9 तो हो ही गई, 9 10 11 और प्लस 1 13 हमारे पास क्या होगी, सॉरी 12 हमारे पास क्या होगी, रिलीव हो गई, क्योंकि एक यहां से एक्स्ट्रा थी, 9 इसने ले ली, 11 हो गई और एक हमारे पास और थी, तो टोटल कितनी होगी, 12. मतलब 12 की 12 जो थी वो हमारी यूज हो गई. इस तरह से हमारी जो डेड लॉक की कंडीशन है वो अचीव नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक थी, सेफ मोड थी. अगर हम इसको चेंज करते, सपोज करो हमारी रिक्वायरमेंट जो P1 की थी वो 4 की होती, सपोज करो यहां हम 4 लिख लेते हैं 2 की जगह पे, तो देखो 3 थे हमारे पास, ठीक है, 3 पेंडिंग थे, तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं होगी. इसलिए एक इतना छोटा सा एग्जांपल आप पेपर में अगर लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे.